सिद्धार्थनगर बॉर्डर पर स्थित भारत नेपाल की 68 किलोमीटर की खुली सीमा को लेकर विदेशी घुसपैठिए की नज़र हमेशा भारत में प्रवेश करने की रहती है। पिछले दिनों पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर ने भी सिद्धार्थनगर स्थित खुनवा बॉर्डर से ही भारत में प्रवेश किया था, जिसको लेकर अब सुरक्षा एजेंसियां काफी सख्त नजर आ रही है। हर आने जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बिना पहचान पत्र के उनको बॉर्डर से इधर उधर नहीं आने जाने दिया जा रहा है। वहीं इस बारे में जिले के नवागढ़ पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल का कहना है कि बॉर्डर पर घुसपैठ रोकने के लिए एसएसबी के साथ पुलिस भी नजर बनाए हुए है। कोई घुसपैठ ना कर सके इसके लिए चेकिंग भी की जा रही है और हर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। सवाल यह है कि इतनी एजेंसियों के होने के बाद सीमा हैदर भारत में प्रवेश कैसे कर गई और एसएसबी और पुलिस उस समय क्या कर रही थी। खुली सीमा होने के वजह से हर आने जाने वालों पर इस तरह से नजर रखना मुश्किल है। इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत होगी। भारत और नेपाल बॉर्डर एक पोरस बॉर्डर है। यहाँ पर संयुक्त रूप से सशस्त्र सीमा बल और पुलिस की लगातार चेकिंग की जा रही है ताकि अवैध गतिविधियों पर रोकथाम किया जा सके। सर, अभी कुछ दिन पहले एक बांग्लादेशी जो है मामले में पकड़ा गया था, एसएसबी ने पकड़ के मामला थाने को दिया था। इस तरह से कई लोग पकड़े जाते हैं, जो पकड़े नहीं जाते हैं वो देश में घुसपैठ कर लेते हैं। क्या अच्छा खुली सीमा भी है, रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन क्या इसके लिए कोई अलग से चेकिंग है? जैसे हमने बताया है वो सशस्त्र सीमा बल और पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है और जो भी अवांछनीय तत्व आ रहे हैं उनके विरुद्ध भी मुकदमे पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।